नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर वन लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइफ। आपका समय, आपकी खबर। और हमारे समाचार के प्रस्तुत करता है, गर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज के मुख्य हेडलाइंस पर। सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कल करेंगी जनसभा और विरोध रैली। भाईचुंग भूटिया के ऊपर जिद्दी, पक्षपाती व सांप्रदायिक आदि आरोप लगाते हुए हाम्रो सिक्किम पार्टी के कुल 5 अन्य सदस्यों ने दिया इस्तीफा। असम में हुई बैंक डकैती के 2 आरोपियों को जलपाईगुड़ी से किया गया गिरफ्तार। सिखों के प्रकाश उत्सव के अवसर पर मंत्री अरूप विश्वास ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। डुअर्स इलाके में जारी है हाथियों का तांडव। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कल यानी 3 जनवरी को सिलीगुड़ी के मैनाक टूरिस्ट लॉज में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और वहां से एनआरसी और सीएए के विरोध में एक रैली निकालेंगी। मैनाक टूरिस्ट लॉज के सामने से शुरू होकर एयरवी मोड़ होते हुए वेनस मोड़ के बाघा जतीन पार्क में जाकर यह रैली समाप्त होगी। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल पदयात्रा कर एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन करेंगी। इस रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता आने की संभावना नेता जता रहे हैं। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे अपने काफिले के साथ उत्तरकन्या के लिए रवाना हो गई। एनआरसी और सीएए के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को सिलीगुड़ी में करेंगी रैली। मंत्री अरूप विश्वास ने सभा स्थल का लिया जायजा। 1 से 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की जताई जा रही है उम्मीद। एनआरसी व सीएए के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा राज्य भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तृणमूल सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को सिलीगुड़ी में विरोध रैली में हिस्सा लेंगी। रैली से पहले वे एक सभा को भी संबोधित करेंगी। पार्टी एवं प्रशासन की ओर से रैली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस बीच राज्य के युवा एवं खेल विभाग के मंत्री तथा दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के परोपेक्ष अरूप विश्वास ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के सभा स्थल का जायजा लिया। विश्वास ने सिलीगुड़ी शहर के मल्लागुड़ स्थित मैनक टूरिस्ट लॉज के निकट बन रहे सभा स्थल का बारीकी से मुआयना किया। बाद में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एनआरसी व सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही इस कानून का विरोध करती आ रही है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में विरोध रैली में हिस्सा लेंगी। मंत्री अरूप विश्वास ने केंद्र की भाजपा सरकार पर भी हमला बोला है। विश्वास ने कहा कि केंद्र सरकार नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी एवं सीएए आदि जन विरोधी कानून लाकर देश के लोगों को कतार में खड़ा कर मौत के कुएं में धकेल रही है। আপনারা জানেন যে একটা জনবিরোধী সরকার যারা শুধু ডিমনিটাইজেশন করে, এনআরসি করে, ক্যাপ করে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেই সরকারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনআরসি এবং ক্যাপ নিয়ে এবং ডিমনিটাইজেশন নিয়ে উনি প্রতিবাদ করেছিলেন 6 মিনিটের মধ্যে। তো তার আন্দোলন আমরা করছি, সারা ভারতবর্ষে সেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আগামীকাল মাননীয় দলনেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এখানে পদযাত্রা করবেন। कार्यवाहक अध्यक्ष भाईचुंग भूटिया के ऊपर जिद्दी, पक्षपाती व सांप्रदायिक जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हाम्रो सिक्किम पार्टी के 2 संस्थापक एवं कुल 5 अन्य सदस्यगणों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें हाल ही के महासचिव व प्रचार सचिव के पद पर रहे प्रेम कार्की एवं पुणे कोइराला, पार्टी उपाध्यक्ष अनु भट्टराई, गत विधानसभा चुनाव में वेस्ट पांडम समष्टि के उम्मीदवार इंद्र कुमार सूजी व रिनाक समष्टि के उम्मीदवार रुद्र खतिवड़ा ने संयुक्त रूप में पार्टी अध्यक्ष श्रीमती वीना बसनेत को संबोधित करते हुए राजीनामा पत्र लिखा। 31 दिसंबर की रात से लापता हुए कालिंपोंग 10 माइल निवासी युवक निखिल राय मुक्तान का मृतदेह आज बृहस्पतिवार को कालिंपोंग पुलिस ने अलगड़ा रोड अंतर्गत विधाग भुंचा के नजदीक प्राचीन इलाके से उधार किया। पुलिस शव को कालिंपोंग जिले के अस्पताल में भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 10 माइल न्यू फ्रेंड कॉलोनी निवासी निखिल राय उर्फ मुक्तान नए वर्ष को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी WB 79A
2556 में निकला था और आज उसका शव बरामद किया गया है। घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे कालिंपोंग थाना के आईसी अनन्य भट्टराय ने जानकारी दी है। निखिल राय अलायस मुक्तन 20 साल उम्र को कालिंपोंग 10 माइल को सेवा सदन को उतार घर छ तो दोस्तहरू को संग घुम्ने को निकले थियो 31 तारिख रात में पनि भेटेको थियो उलाई त्यसको पछि त्यो मिसिंग भएको आज उनीहरू बॉडी मृत उनीहरू मृत अवस्था में पायो दिव्याङको यता नाला में पानी आउँछ पिङ फैक्ट्री त्यसमा फोम आउँछ फोममा बॉडी ढाकेको थियो बॉडी रिकवरी गरेर पोस्टमार्टमको लागि हामीहरू लिँदैछु त्यो मृत्युको सठिक कारण जान्नको लागि शिरमा एउटा चोट हेरेको त्यो कस्तो प्रकारको चोट हो त्यो पोस्टमार्टमको पछाडि डक्टर साहबले भन्नु सक्छ यो उनीहरू बडी पाउनुको कुरा त्यो 12 बजी 12:30 बजी थियो। असम के गोलाघाट जिले में बैंक डकैती कर उत्तर बंगाल में पनाह लेने वाले दो बदमाशों को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर असम के डकैतियों के गिरफ्तार की खबर मिलते ही असम के गोलाघाट की पुलिस एक दल जलपाईगुड़ी पहुंच गया। असम पुलिस जांच के सिलसिले में दोनों आरोपियों को असम ले जाना चाहती है। हम लोग जलपाईगुड़ी कोतवाली थाना में अभी पहुंचा है। हमारे यहाँ में वो मतलब दो एक्यूज को पकड़ के रखा है और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट डेरगांव थाना के अंतर्गत यूनाइटेड बैंक में वो बर्गलरी हुआ था तो इसलिए वो दो की एक्यूज्ड इधर पकड़ा है तो उन लोगों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। अभी कोर्ट में प्रोड्यूस कहाँ का है वो लोग उधर क्या है आसाम का बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। आज सिलीगुड़ी में गुरुद्वारा में सिखों के 353वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर मंत्री अरूप विश्वास गुरुद्वारा पहुंचे जहां उन्होंने माथा टेका और लोगों से धर्म जाति के नाम पर ना बटकर एकजुट होकर और आपस में एकता के साथ भाईचारा को मजबूत करने का संदेश दिया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा मंत्री अरूप विश्वास को सम्मानित भी किया गया। यूनिक वेलफेयर एसोसिएशन और सिलीगुड़ी ब्लड डोनर फोरम के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को फुटपाथ अस्पताल के नाम से एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से ऐसे बेसहारा लोगों को स्वास्थ्य जांच करवाया गया जो विभिन्न कारणों से अस्पताल नहीं जा पाते हैं। सिलीगुड़ी यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य शक्तिपाल ने बताया कि यूनियन वेलफेयर की पहल पर यह पहली बार ऐसी प्रयास की जा रही है। आज के এটা একটা ফুটপাথ হাসপাতালের পরিকল্পনা। এখানে ইউনিক এবং সিলিগুড়ি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম যৌথভাবে এই কাজটা করছি। এটা যদি খুব ভালো হয়ে যায় ব্যাপারটা তাহলে কিন্তু আমরা প্রতি মাসে একবার করে অন্তত করব। আর এই ধরনের প্রোগ্রাম আজ অবধি নর্থ বেঙ্গলে কেউ করেনি, আগামী দিনে হয়তো করবে। এটা তাদের শুভেচ্ছা থাকবে, তারা করুক। আজকে আমাদের এটা উত্তরবঙ্গে প্রথমবার করছি আমরা এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছি। এটার নাম দিয়েছি আমরা ফুটপাথের হাসপাতাল আর ফুটপাথের ডিসপেন্সারি মেডিসিন। যারা পথে ঘাটে ভব ঘুরে আছে তাদেরকে আমরা নিখরচায় চিকিৎসা করাবো এবং তাদের ওষুধ বিতরণ দেবো। দোষী মেলার উপলক্ষে আজকে মিটিং হলো জেলা পরিষদ হলে, খুব ভালোভাবে আলোচনা হলো। আর মেলা হচ্ছে 21 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে। আমাদের তো প্রায় 15 দিন মেলা চলবে আর এখানে জেলা পরিষদ হয়তো 10 দিন এখানে মেলা ইয়ে করবে, চালু থাকবে 10 দিন। আর সব ঠিক আছে। আর এখানে নানা রকম প্রশ্ন উঠছে যে ট্রাস্টি বোর্ডের এটা হয়তো নিশ্চয়ই আপনাকে বোধহয় বলছে তো বোর্ডের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ট্রাস্ট বোর্ডের ক্ষমতা হচ্ছে জেলা জজ সাহেব, উনি যা করার উনি করবেন, এটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। এবং এটা ট্রাস্ট ডিডে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জেলা ডিস্ট্রিক্ট জাজ ডিএম হচ্ছেন উনি পার্টি আর আমরা একটা পার্টি, তাই তো শুনবো। হ্যাঁ, এখানে আমরা তো করতে পারি, এটা হাইকোর্টের ব্যাপার, এটা জাজ সাহেবের ব্যাপার, আমরা এই ব্যাপারে কিছু করতে পারি না। কালিম্পং মে স্থিত মঙ্গল ধাম কে প্রণামী যুবা সমিতি কে দ্বারা নববর্ষ 2020 কে স্বাগত মে विभिन्न धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान के साथ नववर्ष भव्यता के साथ पालन किया गया। उक्त अनुष्ठान में प्रणामी युवा समिति कालिंपोंग के अध्यक्ष सुशील शर्मा, सचिव भरत घिमरे द्वारा स्वागत कर मंगलधाम गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी महाराज जी के द्वारा प्रायण पाठ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करते हुए ब्रह्मलीन गुरु मंगलदास जी के तस्वीर में दीप प्रज्वलन कर सामाजिक हस्तियों को गुरु जी के द्वारा सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से भक्त जनों की
भारी भीड़ उमड़ी थी। इस कार्यक्रम में आसाम के पिंदबर पीठ के महामंडलेश्वर 108 नारायण स्वामी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे थे। प्रणामी युवा परिषद सिक्किम के अध्यक्ष गोपी पोखरेल, महासचिव विशाल छेत्री, उपाध्यक्ष बसंत भंडारी एवं प्रचार प्रसार सचिव भरत शर्मा के द्वारा पीताम्बर पीठ के महामंडलेश्वर 108 नारायण स्वामी जी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु के द्वारा समस्त भक्तजनों एवं लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मदारीहाट के रविंद्रनगर इलाके में गुरुवार सुबह हुई एक हत्या को केंद्र कर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे रविंद्रनगर इलाके में अचानक से जीवन साहा और तापस साहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और मामला मारपीट में तब्दील हो गया। कुछ लोग समझ पाते इससे पहले ही जीवन साहा पर तापस साहा ने भुजाली से हमला कर दिया। इस हमले में जीवन साहा की मौत हो गई और घटना को अंजाम देने के बाद तापस फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं लगा है को किस कारण से यह हत्या हुई है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। Sunshine High School, an English medium co-education school, affiliated to ICSE Board. Admission for session 2020 pre-nursery to class 9. Quality educational. Separate hostels for boys and girls. Confidence building. Leadership programs. Games. Indoor and outdoor. Co-curricular activities. Pollution free. For admission and prospectus, contact Sunshine School. 7797965318 9743155003। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मालदा में होटल में काम करने वाली महिला से हुआ सामूहिक दुष्कर्म, दो दो बार पीड़िता की लूटी गई इज्जत। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज थाने के हरिहरपुर गांव में होटल में मजदूरी का काम समाप्त कर घर लौटने के दौरान रास्ते में एक महिला के साथ दो दो बार सामूहिक बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस अमानवीय घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव देखा जा रहा है। सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना से जुड़े रहने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज रायगंज अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार कालियागंज के हरिहरपुर निवासी 27 वर्षीय एक महिला धनकेल इलाके में स्थित एक होटल में काम करती थी। हर रोज की तरह बुधवार रात भी होटल का काम खत्म करने के बाद वह हरिहरपुर अपना घर लौट रही थी। रस्ते में सूजन बर्मन, सीबू बर्मन नामक दो बदमाशों ने उस महिला को रस्ते से जबरन उठाकर धनकाइल मिनी बैंक के निकट सुनसान इलाके में जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला वहां से किसी तरह भागकर घर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में नकुल महंत नामक एक गाड़ी चालक ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके साथ बलात्कार किया। दूसरी ओर देर रात तक घर नहीं लौटने से परेशान उसके परिवार वाले महिला की तलाश के लिए घर से निकले। सुबह करीब 3 बजे धनकेल इलाके में उस महिला को बरामद किया गया। परिवार वालों की ओर से इस घटना को लेकर कालियागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी शिबू बर्मन एवं नकुल महंत को गिरफ्तार कर लिया है।
तीसरा आरोपी सूजन बर्मन फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। হোটেলে কাজ করার পরে তখন আমার নিয়ে আমি আটটার সময় বাড়িতে যাচ্ছিলাম টিকিট বেঁচে, আর তখন আমার মেয়ে পিঁয়াজ কিনতে নিয়ে আসছে হোটেলের পিঁয়াজ। তখন মা আমাকে বললো, মা তুমি আগাও, তুমি আগাও, আমি আসতেছি। তখন আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। আমি যাওয়ার পরে তখন আমার ছেলে মিলের সামনে বসে আছে, আমার ছেলেকে আমি বাড়ি যাই খাতে দিলাম। তারপরে তখন আমি ই করলাম বাড়ি যাইয়ে, তখন ছেলেকে খেতে দিলাম, আমার আমি খেলাম, খাইয়ে শুয়ে পড়লাম, আমার শরীর খারাপ করছে। তখন আমি বললাম যে আমার ছোটো মেয়ে আসবে, আমার ছোটো মেয়ে খাবে আসে নিজেই বাড়ে, আর আমার যে মেয়েটা হোটেলে থাকে সে ওই মেয়েটা আসবে, ও বাড়িয়েই খাবে। আমার দোকানে কাজ করে অনেকদিন হলো, অনেকদিন হলো কাজ করে, ডেলি যেরকম টাইমে যায় 9টার ভিতরে বাড়ি চলে যায়, ওই টাইমে চলে গেছে। তারপরে আমি দোকান বন্ধ করে ঘুমিয়ে গেছি। হ্যাঁ, তো রাত 1টার সময় মহিলাটার মা এসে আমাকে ডেকে উঠাইছে, বলে লক্ষণ আমার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, একসঙ্গে চলে গেছে, যে টাইমে সবসময় যায় ওই টাইমে চলে গেছে। তারপরে তখন আমরা গেলাম আজাউদ্দিন ক্লাবে খুঁজতে, আর একটা পাগলা কাজ করে ওখানটায়। পাগলা কাজে বললাম, কী রে তোরা দুজন একসাথে আসলি, হ্যাঁ তো কোথায় গেলো? বলে ওকে দুজনে তিনজনে উঠা নিয়ে চলে গেলো। কোথায় গেলো? তখন আমরা খুঁজতে বের হয়ে গেলাম। খুঁজতে বের হওয়ার পরে তো আমি বললাম যে আপনারা আগান, আমি দোকানটা তালা দিয়েছি, দোকান খুলে আসছি, দোকানটা তালা মারে আসছি। তো আমি যেতে যেতে আমাকে তখন একটা ছেলে ওখানকারই ঝুনকুলে একটা ছেলে ফোন করলো, লক্ষণদা তুমি তাড়াতাড়ি আসো, ওদেরকে পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। তখন আমি দৌড়ে গেলাম, তখন যা দেখি মেয়েটা কাঁদছে, হ্যাঁ, আর কাউকে পাওয়া যায় না। তখন মেয়েটাকে নিয়ে এসে আমরা জল টল খাওয়াই, তখন আমরা আসলাম, সব লোকজনকে উঠালাম। ওঠানোর পরে তখন দীপুদার কাছে আসলাম, দীপুদাকে বললাম এই এই ব্যাপার, দীপুদা এরকম কেস হয়েছে। বললো 9:30 সময় থানা খুলবে, সবাই ঘুমাচ্ছে, 9:30 সময় আসো। सिलीगुड़ी नगर निगम के 11 नंबर वार्ड का वार्ड उत्सव गीतांजलि गुरुवार से शुरू हुआ। वार्ड उत्सव के मद्देनजर आज सुबह मित्र सम्मेलनी हॉल में एक रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कीर्तन दल के साथ साथ बिरंगी रंग बिरंगी पोशाक में सजे काफी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे और वार्ड में रहने वाले पुरुष व महिलाओं ने हिस्सा लिया। वार्ड पार्षद मंजूश्री पाल ने इस अवसर पर कहा कि वार्ड उत्सव में छोटे बच्चों को लेकर बड़े के लिए डांस, गाना, बैडमिंटन, अंताक्षरी समेत विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा में वार्ड पार्षद मंजूश्री पाल के अलावा पार्षद नांटू पाल, समाज सेवी बाबलू तालुकदार सहित वार्ड के निवासी उपस्थित थे। जलपाईगुड़ी शहर के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। रानीडांगा बीएसएफ की 180 किंग फिशर बैंड की धुन पर जमकर थिरके लोग। जलपाईगुड़ी शहर के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में संपत्ति अनुष्ठान में नए साल के अवसर पर बुधवार की रात रानीडांगा बीएसएफ की 180 किंग फिशर बैंड ने अपने मनमोहक प्रस्तुति से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जलपाईगुड़ी शहर के हजारों लोगों ने इस अद्भुत कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। मुख्य रूप से युवक युवतियों में इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी शहर के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नगरपालिका व पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह के समाप्ति कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डुअर्स इलाके में जारी है हाथियों का तांडव। माल बाजार के मेटली ब्लॉक में स्थित 3 चाय बागानों में 22 हाथियों ने दल ने मचाया कोहराम, एक व्यक्ति की चली गई जान। मोटामोटी 8 समय 8 बजे हुआ, ये तो मतलब घर से अपना गाय को बगान ले गया था चराने के लिए। अच्छा। हाँ, उस टाइम में अचानक कहीं से निकल के हाथी मुठभेड़ होके उसको अचानक हमला कर दिया, इंसिडेंट कर दिया। मालदा में अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल व टोटो तस्कर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 7 टोटो व 9 मोटरसाइकिल समेत 7 तस्कर किए गए गिरफ्तार। मालदा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अंतरराज्यीय टोटो व मोटरसाइकिल तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सभी तस्करों के पास से 7 टोटो व 9 मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस ने बताया कि ये लोग चोरी के वाहनों को विभिन्न स्थानों में गुप्त ठिकाने में छिपाकर अपना गोरख धंधा चलाते थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तस्कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बरामद की गई टोटो व मोटरसाइकिल को अदालती प्रक्रिया के जरिए इसके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया जाएगा। मालदा के डीएसपी हेडक्वार्टर प्रशांत देवनाथ ने गुरुवार सुबह एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर
यह जानकारी दी। हमरा प्रथमत चारटे टोटो रिकवरी है এবং তারপর ওদের আরো জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা আরো তিনটে টোটো রিকভারি করি, টোটাল সাতটা টোটো রিকভারি আছে। এবং সাথে আমরা টোটাল প্রথমে সাতটা বাইক রিকভার করি এবং সাতটা বাইকের পর আরো দুটো, মানে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরো ফার্দার দুটো বাইক আনানো, টোটাল নটা বাইক উদ্ধার হয়েছে। এবং টোটো চালক যারা ছিলেন, মানে টোটো চোর যারা ছিলেন, তারা মেনলি বাগবাড়ি থেকে, মানে ওখানে বাগবাড়িতে টোটোগুলো বিক্রি করার জন্য টোটোগুলোকে এনে এক জায়গায় জড়ো করেছিল এবং সেইখান থেকে, সেই স্পট থেকে আমরা ওদের ধরি। इस्लामपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और जाम की समस्याओं से निपटने के लिए नव निर्वाचित ट्रैफिक आईजी सुजीत सरकार ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक किया। इस्लामपुर गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्तिक मंडल, DSP सोमनाथ झा सहित इस्लामपुर पुलिस के आला अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए इस्लामपुर के पुलिस अधीक्षक सचिन मक्कड़ ने बताया कि इस्लामपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर इस बैठक में कई महत्वपूर्ण पर चर्चा की गई है। आज के वो सुजीत सरकार IPS है, उन्हें IG ट्रैफिक नॉर्थ बेंगल चार्ज था टेकिंग ओवर कर, बोले हमारे जिलाटाओ IG ट्रैफिक नॉर्थ बेंगल तैयार पड़े तो इन्हें इस हैमिल्टनगंज में एक एशियन फिज आउल प्रजाति का उल्लू बरामद किया गया है। गुरुवार सुबह स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उल्लू को देखा और वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और उल्लू को बरामद कर अपने साथ बक्साबाग परियोजना जंगल में ले गए। यह जानकारी हैमिल्टनगंज वन विभाग के रेंज के अमलेंदु माझी ने दी है। ये कोई नया घटना नहीं है, हम लोग डुअर्स में बक्सा टाइगर रिजर्व के पास में रहते हैं तो यहाँ पे वन्य जीव प्राणी कभी बाहर आ जाते हैं जंगल के बाहर, तो ऐसे ही एक यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये एशियन फिश आउल है। तो ये जो प्रजाति है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे अभी हमने रेस्क्यू इसको कर लिया है, अभी इसको सही तरीके से हम रेस्क्यू करके इसको रिलीज भी कर देंगे। जो हमारा प्रयास है कि वन्य जीव सुरक्षित रहे उसी का ही काम है, कोई स्पेशल नहीं है, रोजाना काम है हमारा, आज भी करेंगे आगे भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें एस्के लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर, धन्यवाद।